क्वेश्चन है, क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया जाता है। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, अगर 3 बार हम टॉस कर रहे हैं क्वाइन को, तो सबसे पहला काम सैंपल स्पेस हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला कंसिडरेशन ये कीजिए कि तीनों ही टॉस पे हेड आए, तो ये एक बार होगा एच एच एच। अब कंसिडर कीजिए दो टॉस पे हेड आए, तो एच टी एच टी एच एच। अब कंसीडर कर लेते हैं एक टॉस पे हेड आए, एच टी 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 एच टी 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 एच। अब जीरो हेड अगर कंसीडर करें, मीन्स तीनों ही टॉस पे टेल, ये एक ही बार होगा, तो ये 8 सैंपल स्पेस बन गए। अब फर्स्ट केस में जो ए इवेंट है, ये कह रहा है हेड्स ऑन थर्ड टॉस, तो ए थर्ड टॉस पे हेड कब कब आ रहा है? यहाँ मिल रहा है एच एच एच, यहाँ मिल रहा है एच टी एच, यहाँ मिल रहा है टी एच एच, यहाँ मिल रहा है टी टी एच। ये क्लियर? तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये बन जाएगा 1 2 3 4 अपॉन 8, यानी कि 1/2। ये क्लियर? अब बी इवेंट कह रहा है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉस, फर्स्ट टू टॉस पे हेड, तो फर्स्ट टू टॉस पे हेड यहां मिल रहा है एच एच एच, यहां मिल रहा है एच एच टी, और कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर कैलकुलेट करें, तो ये बन जाएगा 2/8। ये क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन, कंडीशन बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये नीचे आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए और बी में कॉमन क्या है? तो देखिए ट्रिपल एच यहाँ भी है, तो एक ही कॉमन है, तो ये बन जाएगा 1/8। ये क्लियर? तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी ये बन जाएगा 1/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, तो ये आ गया 1/8 इंटू 4/1, यानी कि 1/2। सेकेंड केस है, ए इवेंट कह रहे हैं एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो टॉस पे हेड होने चाहिए, मतलब दो हेड या तीन हेड भी हो सकते हैं। ए यहाँ से बन जाएगा ट्रिपल एच, यहाँ 3 हेड है एच एच टी, यहाँ 2 हेड है एच टी एच, 2 हेड टी एच एच, 2 हेड बाकी में एक या एक भी नहीं है, तो इतने ही आएंगे। ये क्लियर? बी इवेंट कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 टॉस पे हेड हो, यानी कि 2 हेड हो सकते हैं, 1 हेड हो सकता है, या फिर 0 हेड हो सकता है, 3 नहीं होने चाहिए, तो इनको छोड़ के बाकी सारे लिख दीजिए एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच टी टी टी। ये क्लियर? तो यहां से पी ए ये बन जाएगा 1 2 3 4, 4/8 यानी कि 1/2। पी बी ये बन जाएगा 7/8। ये क्लियर? अब टी ए एंड बी दोनों में कॉमन क्या है? तो ये यहां पे नहीं है, बाकी ये सारे 3 जो हैं 1 2 3 ये यहाँ पे हैं, तो ये बन जाएगा 3/8। ये क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन पी बी, तो ये आया 3/8, और पी बी 7/8, 8 8 कैंसिल, 3/7। फर्स्ट केस है, ए इवेंट यहाँ कह रहा है एटमोस्ट 2 टेल्स, अधिक से अधिक 2 टेल होने चाहिए, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 3 नहीं होने चाहिए, तो देखिए ये छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। तो ए ये बन जाएगा ट्रिपल एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच। ये क्लियर? नाउ बी इवेंट कह रहा है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होने चाहिए, तो
कम से कम एक टेल करने का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो एक भी ना हो ये छोड़ के बाकी सारे आएंगे, तो इनको छोड़ के बाकी सारे लिख दीजिए, एच टी एच, टी एच एच, टी एच टी एच और टी टी टी, ये क्लियर। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आ जाएगा 7/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी आ जाएगा 7/8, ये क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ ट्रिपल एच है और यहाँ ट्रिपल डी है, तो ये दो छोड़ के बाकी सारे कॉमन है, तो 6 कॉमन है, तो 6/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आया 6/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आया 7/8, 8 8 कैंसिल, 6/7 ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी।